हेलो स्टूडेंट्स लेट कंटिन्यू चैप्टर एट डेसिमल्स. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स. इफ़ वी वे आज टू ऐड जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड जीरो पॉइंट फोर टू देन हाउ विल वी डू इट इट इज़ वेरी सिंपल वर्टिकल एडिशन करेंगे जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा जीरो पॉइंट फोर 5 plus 2 is 7, 3 plus 4 is 7, point as it is, and 0 plus 0 is 0. So, when we add 0.35 and 0.42, we get 0 0.77. So, we can add decimals in the same way as we add whole numbers. Let us consider another example. Let us add 0 0.7 and 0 0.08. Again, vertical addition karenge. So, जीरो पॉइंट सेवन अब जीरो पॉइंट सेवन को हम जीरो पॉइंट सेवन जीरो भी लिख सकते हैं राइट वाई डिड आई राइट दिस वाई डिड आई एड जीरो हेयर वी हैव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट यानी कि ये जो डेसिमल है हेयर वी हैव द हंड्रेड प्लेस एज वेल दिस इज़ वन दिस इज टेंथ प्लेस एंड दिस इज द दंड्रेड प्लेस ठीक है सो so यहाँ पर ये प्लेस वैल्यूज है यहाँ पे हंड्रेड प्लेस वैल्यू मिसिंग था सो टू मेक एडिशन ईजी आई एडेड अ ज़ीरो टू द राइट ऑफ सेवन सो नाउ वी कैन सिंपली एड इट सो यहाँ पर पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही होगा वेन वी एड दिस वी विल हैव ज़ीरो प्लस एट इज़ एट सेवन प्लस ज़ीरो इज सेवन एंड जीरो प्लस जीरो इज ज़ीरो सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सेवन एट तो जब भी हम एडिशन करेंगे दो डेसिमल्स के वन थिंग वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड इज पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए लेटेस्ट अगेन कंसीडर एग्जाम्पल ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स को ऐड करना है सेवन पॉइंट फाइव एंड वी नीड टू ऐड दिस विथ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री चलो दिस इज़ आर सम तो यहाँ पर हमको ये थ्री डेसिमल्स के सम फाइंड करने हैं दैट इज़ वी नीड टू ऐड दिस थ्री डेसिमल्स सो वर्टिकल एडिशन करेंगे जैसे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो ये पॉइंट जो है इट्स एग्जैक्टली बिलो दिस पॉइंट इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में वी हैव सेवन राइट साइड में वी हैव फाइव जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर हम जीरो लिख देंगे द थर्ड नंबर इज फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री तो पॉइंट के बाद वी हैव सिक्स थ्री और यहाँ पर वी हैव फिफ्टीन तो फाइव यहाँ पर वन तो वन फाइव फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री अब यहाँ पर वी हैव वन उसके बाद पॉइंट टेनथ हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस वैल्यूज अब यहाँ पर टेन है हंड्रेड्स है तो थाउजेंड्स नहीं है तो यहाँ पर जीरो ऐड कर देंगे जस्ट लाइक वी डेड फॉर सेवन पॉइंट फाइव नाउ सिंपली वी कैन ऐड दीज थ्री यहाँ पर सिक्स प्लस जीरो प्लस जीरो इज सिक्स दिस विल बिकम थ्री नाउ फाइव प्लस सिक्स इज इलेवन सो वन लिखेंगे पॉइंट और ये जो दूसरा वन है इलेवन का वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जस्ट लाइक वी एड होल नंबर्स नो चेंज इन द एडिशन वन थिंग वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड इज अबाउट अरेंजिंग द नंबर्स फॉर एडिशन एडिशन बहुत ही सिंपल है एक बार हम अरेंजमेंट कर लेंगे बराबर देन वी कैन ऐड दीज नंबर्स प्रॉपरली सो हेयर सेवन प्लस वन इज एट एंड एट प्लस फाइव इज थर्टी सो थ्री and we carry one one plus one is two so this equals to twenty three point one three six so in this way we can add decimal numbers one thing we always have to keep in mind I'm again repeating रिपीटिंग पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए अगर हम इसमें यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सेवन पॉइंट फाइव कुछ इस तरह से ठीक है तो ऐसे नहीं होगा कि हम थ्री को फाइव के साथ ऐड करेंगे दिस विल बी रॉन्ग दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट द पॉइंट शुड कम बिलो द पॉइंट यानी कि यहाँ पर यह टेन्थ प्लेस है और यहाँ पर दिस इज द हंड्रेड प्लेस तो टेनथ प्लेस में जो भी है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जो भी टेनथ प्लेस में है दूसरे नंबर के दिस इज़ दंड्रेड प्लेस दिस इज द टेनथ प्लेस और यहाँ पर हंड्रेड प्लेस नहीं है तो ये ट प्लेस so, है तो सेवन पॉइंट so, फाइव है सो यहाँ पर दिस विल बी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री यानी कि सिर्फ यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम एडिशन करेंगे वी विल हैव जीरो ओवर हेयर सो इन दिस वे वी कैन ऐड गिवन डेसिमल नंबर्स लेट इस नाउ बिगिन एक्सरसाइज एट पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए 0.007 पॉइंट जीरो प्लस एट प्लस जीरो एट सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द सम यानी कि हमें ऐड करने हैं द गिवन डेसिमल नंबर्स सो इन क्वेश्चन नंबर वन वी विल हैव टू फाइंड द सम यानी कि हमें जो थ्री डेसिमल्स गिवन है इनको ऐड करने हैं इनका सम फाइंड करना है सो वर्टिकल एडिशन करेंगे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सेवन अगेन पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है और यहाँ पर पॉइंट के राइट right में है फाइव और लेफ्ट में एट है सो एट पॉइंट फाइव द ब्लैंक स्पेस इज़ अ फिल्ड विद जीरो एंड थर्टी पॉइंट जीरो एट है तो पॉइंट राइट में हैज जीरो एट ब्लैंक स्पेस वी फिल इट विद जीरो एंड बिफोर द पॉइंट दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ इट वी हैव थर्टी सो थ्री जीरो थर्टी नाउ वी कैन फाइंड द सम सो एडिंग वी गेट सेवेन दिस विल बिकम एट ठीक है जीरो के साथ एड करें वी गेट द सेम नंबर जीरो प्लस फाइव प्लस जीरो इज़ फाइव अगेन एंड दिस इज एट प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो विच इज़ एट एंड थ्री जो है यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो दिस इज़ थ्री एज इट इज़ सो दिस इज थर्टी एट पॉइंट फाइव एट सेवन दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट इन द बी पार्ट वी हैव टू एड फिफ्टीन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स थ्री टू प्लस थर्टीन पॉइंट एट सो हे आर ऑल्सो वी विल डू द वर्टिकल एडिशन सो फिफ्टीन जो है वी कैन राइट इट एज फिफ्टीन पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो द रीज़न इज़ इन दिस नंबर जीरो पॉइंट सिक्स थ्री टू वी हैव द नंबर टिल थाउजेंथ प्लेस यानि कि हमें थाउजेंथ प्लेस वैल्यू तक गिवन है सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पर थ्री जीरोड कर देंगे वी कैन ऑल्सो राइट इन द ब्रैकेट दैट फिफ्टीन इज रिटन एज फाइव फिफ्टीन पॉइंट ज़ीरो 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 एंड यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा सिक्स थ्री टू एज इट इज और यहाँ पर ज़ीरो है अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट right में है एट और लेफ्ट में है थर्टीन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो वे फिल इट विथ ज़ीरो नाउ एडिंग दिज नंबर्स यी हैव टू दिस इज थ्री एज इट इज सिक्स प्लस एट इज़ फोर्टीन सो फोर वी विल कैरी वन दिस इज़ नाइन फाइव प्लस वन सिक्स प्लस थ्री नाइन point as it is and 1 plus 1 is 2. So here we have 29.432. In sub question C and sub question D, we have to solve it in the same way. Sub question E or F be in the same way he solve karna hai. But let us discuss sub question E. In the question, we are given 0 0.75 plus 10.425 plus तो यहाँ पर वर्टिकल एडिशन करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव है पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पर है टेन और यहाँ पर है फोर टू फाइव और यहाँ पर टू है सिर्फ तो टू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे टू को कैसे लिख सकते हैं हम वी कैन राइट टू एज़ टू पॉइंट ज़ीरो राइट टू कैन बी रिटन एज़ टू पॉइंट जीरो और टू पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो इस वे में हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर दो जीरोस और ऐड कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक स्पेस है सिमिलरली यहाँ पर भी एक ज़ीरो हम लिख लेंगे एंड एडिंग दिस नंबर्स हियर वी हैव फाइव फाइव प्लस टू इज सेवन एंड सेवन प्लस फोर वी गेट इलेवन सो वन एंड अगेन वन वी कैरी फॉरवर्ड पॉइंट को एज इट इज़ रखेंगे हियर वी हैव थ्री एंड वन एज इट इज़ सो दिस इज थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव एक और क्वेश्चन कर लेते हैं

एंड हीयर वी हैव थर्टी एट अगेन रिमेंबर थर्टी एट कैन बी रिटर्न एज थर्टी एट पॉइंट ज़ीरो जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो और यहाँ पर थर्टी एट अब यहाँ पर जो हंड्रेथ प्लेस है वो हंड्रेड प्लेस के साथ ऐड होगा और जो टेनथ प्लेस है वो टेनिथ प्लेस के साथ ऐड होगा सो हीयर वी हैव नाइन दिस इज एट दिस इज ज़ीरो प्लस फाइव प्लस एट विच इज इक्वल टू थर्टीन

डेसिमल्स ही गिवन है और इसी तरह से वर्टिकल एडिशन की मदद से यू नीड टू सॉल्व दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ दोज डेसिमल्स सो यू नीड टू सॉल्व एंड राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर टू राशिद स्पेंड रुपीज थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव फॉर मैथ्स बुक एंड रुपीज थर्टी टू पॉइंट सिक्स जीरो फॉर साइंस बुक फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द अमाउंट स्पेंड बाय

we are given money spent by rashid for maths book is equal to rupees 35.75 now this means 35 rupees and 75 paise we have already discussed this and also in the question we are given money spent by rashid for science book which is equal to rupees 32.60 so क्वेश्चन में बोला है कि हमें टोटल अमाउंट फाइन करना है जो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद है वो फाइन करना है एंड वेन वी हैव टू फाइन द टोटल मीन्स वी विल डू एडिशन सो यहाँ पर वी विल एड बोथ द अमाउंट्स दैट इज एडिंग थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव एंड थर्टी टू पॉइंट सिक्स जीरो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा लेफ्ट में है थर्टी टू और राइट right में है सिक्सटी नाउ

so we can conclude that the total amount spent by rashid is rupees 68.35 Here we add kiya question mein we asked the total amount therefore the total amount spent by rashid is rupees 68.35 question number 3 radhika's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80 find the total amount given to radhika by the parents so in this question we are given the money given to radhika by her mother and her father which is rupees 10.50 and rupees 15.80 respectively we find karnaha's question may be total find है. so we need to add these two amounts which is similar to question number two so question number three is homework for you you need to solve this question on your own and write the solution properly in your notebook. Question number 4 Nazreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. So in this question we are given cloth bought by Nazreen for her shirt and her trouser. So 3 meter 20 centimeter given hai

The length of the cloth bought by Nazneen. Nazneen bought three meter twenty centimeter cloth for her shirt and two meter five centimeter cloth for her trousers. Now these statements are directly given in the question, so you can write them as it is without changing them. So we are asked to find the total length of the cloth bought by Nazneen. So for that we will simply add three meter twenty centimeter width two meter. फाइव सेंटीमीटर तो ऐड करना है सो so, यहाँ पर हम लोग इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट वी कैन ईजिली एड दैम सो यर वी हैव थ्री मीटर एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर वी नो हाउ टू कन्वर्ट दैम इन मीटर यानी कि हमें इन्हें कोई एक यूनिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि मीटर सेंटीमीटर से ग्रेटर यूनिट है सो विल बी कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर सो यहाँ पर थ्री मीटर विल बी रिटन एज़ इट इज़ एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड मीटर्स ठीक है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्किस दिस सो दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस दिस विल बिकम जीरोज़ गेट्स कैंसिल एंड वी हैव जीरो पॉइंट टू द वैल्यूज आर इन मीटर्स नाउ सो थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू इज थ्री पॉइंट टू और यू कैन राइट इट एज थ्री पॉइंट टू जीरो बोता सेम तो यहाँ पर भी जीरो लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड नाउ दिस इज इन

and 2 as it is point. 0.3 plus 2 is 5 so what is this this is the total length of cloth bought by her which is 2 5.25 or five. unit kya hai this is in meters therefore the total length of cloth bought by her or you can write the name nazreen is 5.25 five meters question number 5 नरेश वॉक टू किलोमीटर थर्टी फाइव मीटर इन द मॉर्निंग एंड वन किलोमीटर सेवन मीटर इन द इवनिंग हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिविन डिस्टेंस तो ये टू किलोमीटर थर्टी फाइव मीटर जो है इट इज़ द डिस्टेंस नरेश वॉक इन द मॉर्निंग एंड वन किलोमीटर सेवन मीटर इज द डिस्टेंस ही वॉकड इन द इवनिंग सो हमें डिटेंस इन ऑल यानि कि टोटल ऑल मतलब टोटल फाइंड करना है तो यहाँ पर भी वी विल भी एडिंग दिज टू नंबर्स बाय कन्वर्टिंग दम इन टू द सिमलर यूनिट यानि कि हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे हाउ विल वी डू दिस सो लेट इज सी दॉल्यूशन टू फाइंड आउट वी आर गिवेन इन द क्वेस्ट दैट नरेश वॉक टू किलोमीटर थर्टी फाइव मीटर इन द मॉर्निंग एंड वन किलोमीटर सेवन मीटर इन द इवनिंग द टोटल डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड सो सिमिलरली जैसे हमने पहले के फ्यू क्वेश्चन सोल्व किए थे इन द सेम वे सिंपली एड कर लेंगे सो टू किलोमीटर थर्टी फाइव मीटर प्लस वन किलोमीटर सेवन मीटर्स

kilometers 35 meter is 35 upon 1000 kilometers so this is equal to 2 plus 0 0.3035 and this is in kilometers now 035 because we have three zeros in the denominator so we will have three digits after the decimal point so this is 2.035 now it is in kilometers similarly we can convert one meter किलोमीटर एंड सेवन मीटर टू किलोमीटर सो इट इज़ वन पॉइंट ज़ीरो जीरो सेवन किलोमीटर्स अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वो फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस वी विल एड दिस टू यानि कि टू पॉइंट ज़ीरो थ्री फाइव को ऐड करेंगे वन पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा ज़ीरो ज़ीरो सेवन एंड हेयर वी हैव वन सो नाउ वी नीड टू एड दिस टू 5 plus 7 is equal to 12. We carry 1, we have 4. And here 0 plus 0 is 0, so as it is. And 2 plus 1 is 3. So here we have 3.042. So this is the distance, the total distance Naresh walked. So here Naresh walked 3.042 kilometer in all. Question number 6. Sunita travelled 15 kilometer, 268 meter by bus. सेवन किलोमीटर सेवन मीटर बाई कार एंड फाइव हंड्रेड मीटर ऑन फूड इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल हाउ फार इज द स्कूल फ्राम हर रेसिडेंस सो इन दिस क्वेस्टन वी आर अगेन गिवन द डिस्टेंस बट ये भी किलोमीटर और मीटर में है तो इन्हें भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज फिफ्टीन किलोमीटर टू हंड्रेड सिक्सटी एट मीटर विच शी ट्रैवल्ड बाय बस शी ट्रैवल्ड सेवन किलोमीटर एंड सेवन मीटर बाय कार एंड शी ट्रैवल फाइव हंड्रेड मीटर ऑन फूट यानि कि पैदल ठीक है सो दीज आर द डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड डिफरेंटली अलग अलग ये डिस्टेंस ट्रेवल की अलग अलग मीन से टू रीच हर स्कूल तो हमें पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस से रेजिडेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड रेजिडेंस क्या है यानि कि हाउ फार इज़ अ स्कूल फ्राम हर रेजिडेंस यानी कि अगर यहाँ पर ए इज़ द पॉइंट वेयर हर रेजिडेंस इज एंड दिस इज़ हर स्कूल और यहाँ पर थ्री स्टॉप्स आ रहे हैं दिस इज़ द डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड बाय बस एंड दिस इज़ द डिस्टेंस शी ट्रैवल बाय कार एंड दिस इज़ द डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड ऑन फुट तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट डिस्टेंसेस है तो हमें इनका टोटल फाइंड करना पड़ेगा सो टोटल फाइंड करने के लिए वी विल एड दिस थ्री एंड देन वी कैन फाइंड आउट हाउ फार हर स्कूल इज़ फ्रॉम हर रेजिडेंट तो ऐड करने से पहले हम लोग मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में जस्ट लाइक वी डिड इन क्वेश्चन नंबर फाइव since this question number 6 is similar to question number 5 this question is again homework for you you have to try this question on your own and write the solution in your notebook question number 7 ravi purchased 5 kg 400 gram rice 2 kg 20 gram sugar and 10 kg 850 gram flour find the total weight of his purchases so here we are given ट ऑफ़ डिफरेंट परचेसेज मेड बाई रवि फाइव किलोग्राम फोर हंड्रेड ग्राम राइस खरीदी है ट्वेंटी ग्राम टू किलोग्राम ट्वेंटी ग्राम शुगर एंड टेन किलोग्राम एट हंड्रेड फिफ्टी ग्राम फ्लार इज़ परचेज बाई रवि हमें टोटल फाइंड करना है सो फॉर फाइंडिंग टोटल वी विल एड दी थ्री क्वान्टिटीज लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे यानी ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में सो लेट इज सी सॉल्यूशन दिस इज द गिवन डेटा इन क्वेश्चन नंबर सेवन वी गिवन दैट रवि परचेज फाइव किलोग्राम फोर हंड्रेड ग्राम राइस टू किलोग्राम ट्वेंटी ग्राम शुगर एंड टेन किलोग्राम एट हंड्रेड फिफ्टी ग्राम फ्लार सो द टोटल वेट ऑफ इस परचेज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज थ्री ठीक है जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही टोटल यानि कि हम ऐड करेंगे सो so, ऐड करने से पहले हम कन्वर्ट करेंगे टू द सेम यूनिट सो यहाँ पर विल बी कन्वर्टिंग ग्राम टू किलोग्राम सो फाइव किलोग्राम विल बी केप्ट एज इट इज एंड दिस इज फोर हंड्रेड अपॉन थाउजेंड किलोग्राम फोर हंड्रेड ग्राम इज इक्वल टू फोर हंड्रेड अपॉन थाउजेंड किलोग्राम So, this is 5 plus this will become 0 0.400 kilogram. So, this is 5.4 kilogram. Okay, 500, 5 kilogram, 400 gram is equal to 5.4 kilogram, or you can simply write it as 5.400. Next, 2 kilogram, 20 gram.

किलोग्राम नाउ दर द यूनिट आर सेम यूनिट टू डू द सेम फॉर द थर्ड वन दैट इज़ टेन किलोग्राम एंड एट हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स सो यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद वी विल भी लेफ्ट विथ टेन पॉइंट एट फाइव जीरो किलोग्राम इन द सेम वे तीनों को सेम मेथड से कन्वर्ट किया है और इसे हम पहले भी कर चुके हैं सो टोटल वेट के लिए क्या करेंगे एडिंग दी स्थ्री सो डूइंग वर्टिकल एडिशन वी विल भी लेफ्ट विथ फाइव पॉइंट फोर ज़ीरो प्लस टू पॉइंट जीरो टू प्लस टेन पॉइंट एट फाइव ठीक है अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे दिस विल बिकम सेवन एंड फोर प्लस एट इज ट्वेल्व सो वी कैरी वन एंड हियर वी विल हैव एट एंड वन एज इट इज सो दिस इज एटीन पॉइंट टू सेवन दिस इज नथिंग बट द टोटल वेट दफो द टोटल वेट ऑफ रवीज परचेसिस इज एटीन पॉइंट टू सेवन किलोग्राम्स